गाइस ये बर्थडे मॉर्निंग है, मॉर्निंग भी नहीं, अभी आफ्टरनून हो गया, 12 बज गए हैं। सो अभी मुझे हेयर कट कराना था एक्चुअली, बट मैं रुक गई थी। मैंने सोचा बर्थडे के दिन ही करा लेते हैं और सेट भी रहेंगे बाल। सो अभी हम लोग जा रहे, मेरी बहन भी करा रही है एक्चुअली हेयर कट, तो हम दोनों जा रहे हैं, हमारे घर के पास है, तो हम लोग वहां पे जाके हेयर कट और हेयर सेट वगैरह जो भी करवाना है वो सब करवाते हैं। हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे मैंने लास्ट सेशन बताया कि वो जो हेयर स्टूडियो था वहाँ की लाइट गई थी, बट थोड़ी देर बाद हम लोग हाफ एन आवर वेट करने के बाद फिर से गए, तो मतलब हेयर कट वगैरह हो गया मेरा। एंड अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ, मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। सो वी आर गोइंग अप टाउन 501 जो ट्रैफिक पार्क के पास में है, जो नागपुर में रहते हैं उनको पता ही होगा। तो हम उधर जा रहे हैं और एक्चुअली मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है, उसको मुझे क्लास छोड़ना था बट लेट हो गया हमें, तो कोई नहीं चलते हैं अभी। हैप्पी बर्थडे एक्चुअली, तू कैंडल में कायली जैसे कि आपने व्लॉग में देखा, हमने इतनी मस्ती की, मतलब मैंने ज्यादा वीडियोस ऐड नहीं किए बट हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। एंड 2 साल मतलब लॉकडाउन में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, या तो कोई रीजन के कारण हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार इतनी मजा आई, मतलब बाहर सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया और सब लोग आए थे। सो इट लाइक आई फेल्ट रियली नाइस एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट डे। और उसके बाद जैसे मैं घर पे आई, फिर उसके बाद मेरी फैमिली, हम लोग सब लोग नैवेद्यम गए थे। जैसे मैंने नैवेद्यम का ब्लॉग आपको दिखाया था कि नैवेद्यम क्या है, हम लोग वहां गए, बहुत एंजॉय किया एंड बहुत अच्छा गया मतलब अच्छा गया मेरा बर्थडे। एंड मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी गिफ्ट दिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो गिफ्ट है ये मुझे दिव्या एंड अश्विनी मैम ने दिया है। सो इसमें एक कार्ड है विच सेज हैप्पी बर्थडे आचल, एंड इसमें ये एक टेडी है, छोटा सा मतलब की चेन है ये। एंड इसके साथ ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत काम की चीज है। ये की चेन है बट इसमें मिरर है, सो हम कभी भी यूज कर सकते थे, बहुत अच्छा था। एंड इसमें एक और चीज है विच इज दिस बॉक्स, एंड आई गेस ये चेन है कि एंकलेट है, आई गेस एंकलेट है। इट्स रियली ब्यूटिफुल, बहुत प्लेन है और बहुत प्रिटी दिख रहा है, बहुत सच में बहुत सुंदर है यार ये। और इसमें एक छोटी सी बटरफ्लाई है, क्योंकि दिव्या शिनी मैम सब लोग मुझे बटरफ्लाई बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत सोच के दिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे चाहिए नहीं थे कोई गिफ्ट, बट आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। अब आ रही है नेक्स्ट गिफ्ट की, जो मुझे अंशुल ने दिया था, और उसने मुझे दिया है मेरा फेवरेट ब्रांड H&M। उसने वहां से मुझे ये स्वेट शर्ट दिया है, और मुझे स्वेट शर्ट बहुत पसंद है, मतलब मेरे वार्डरोब में मैक्सिमम वही, मतलब मुझे लूज कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, सो मेरे वार्डरोब में मैक्सिमम वही रखे हुए हैं। सो दिस इज रियली नाइस, थैंक यू सो मच। मैं मतलब ये तो अब मेरा रोज का ही हो गया, मैं हर कहीं पे भी बाहर जाऊंगी तो मैं यही पहन के जाऊंगी, थैंक यू सो मच। और मुझे रोहित ने भी गिफ्ट दिया है, उसने मुझे सोच समझ के दिया है गिफ्ट। उसने मुझे प्रोटीन पाउडर दिया है, क्योंकि मैं रोज मतलब रोज इंटेक करती हूँ प्रोटीन का, तो उसने मुझे सोच समझ के वो गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। वो बॉक्स मैंने साइड में रखा है, सो थैंक यू सो मच रोहित। मुझे सबके गिफ्ट बहुत पसंद आए, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल करने के लिए। सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही था कि आप लोग मेरे बर्थडे में आए, वही बड़ा सबसे बड़ा गिफ्ट था। एंड उसके बाद ये जो आपने
गिफ्ट दी है, दैट्स रियली नाइस। और ऐसी एक भी चीज नहीं है कि जो मैं यूज नहीं करूँ, सब जो चीजें है ना कि वो मैं डेली इसमें यूज करूंगी डेफिनेटली। एंड लाइक जैसे मैंने बोला कि यार ये हुआ है, अभी मैं 23 इयर्स की हो गई हूँ, सो एक दिमाग में चलता रहता है आचल ये नहीं करना है, आचल ऐसे करना है, आचल ये ऐसे करते हैं। सो वो मम्मी पापा नहीं भी बोले तो तब भी मेरे दिमाग में आएगा यार आचल बड़ी हो गई है, अभी ये सब चीजें नहीं अच्छी लगेगी, ये सब मत कर। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक आ ही जाता है यार बड़े होने का, कि वो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इस बार मुझे लिटरली फील हुआ कि यार मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी मुझे थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी मेरे पे। सो लाइक अभी थोड़ा अजीब सा ही लगा एंड बहुत मतलब आई एम सो हैप्पी। लाइक बर्थडे के बाद आई वॉज सो हैप्पी कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स एंड मेरी सिस्टर ने बहुत लाइक बहुत किए मेरे बर्थडे के लिए, एंड सबसे अच्छा गिफ्ट जो था वो मेरी सिस्टर का था। इसे छोड़ के मतलब ये सबसे नंबर वन पे था, मैं कुछ मतलब और कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उसने एक दिन में ये बनाया, लाइक मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं दिन भर घर पे रहती हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, तो उसने पता नहीं कैसे तो भी वो सब कुछ बनाया, लाइक उसने पता नहीं कहाँ कैसे किया और एक दिन में ये बनाया। सो दैट्स रियली नाइस और आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई रिसीव दिस, सो थैंक यू सो मच छोलू। वो मुझे मारेंगी मैं उसको यहाँ पे छोलू बोलूंगी तो, बट स्टिल कुछ नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच छोलू, थैंक यू सो मच मम्मी पापा एंड बाकी सारे फ्रेंड्स जो सब लोग आए जिन्होंने गिफ्ट दिया, लाइक आई वॉज सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे स्पेशल करने के लिए। सो यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।